हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर राइड टू अनदर वीडियो। आज शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं राइड पे निकला हुआ हूँ अपनी न्यू कार्बन रोड बाइक एंड इट्स सो स्मूथ। आई एम सो लविंग इट। थैंक यू राजेश साइकिल जिन्होंने साइकिल इंपोर्ट करवाई है। एंड मैम, मौसम अच्छा है, ठंडा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, परफेक्ट फॉर साइकिलिंग। एंड राइड करते हैं एंड होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड कीप पैडलिंग। आजकल सारी वीडियो सामने बन रही हैं बिकॉज मॉर्निंग में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। एंड मेरे कैमरे का माउंट भी टूट गया था जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आज ही आया है। मौसम भी आज थोड़ा ठंडा है बट इट्स फाइन। और मज़ा आने वाला है राइड पे, ठंड में और मज़ा आता है मुझे। गर्मियों में थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है बट ठंड इज़ अमेजिंग। ये रोड बहुत अच्छी है साइकिलिंग के लिए। आई लव दिस रोड। नहीं तो कोई ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और कम लोग होते हैं, अच्छी रोड है, किसी भी टाइम आ जाओ इतना ही ट्रैफिक मिलता है। हाईवे पे लोग बहुत गंदा चला रहे हैं, मेरा जाने का मन ही नहीं करता बट दिस इज़ नाइस। आज मैं लेके आया हूँ कार्बन रोड बाइक जो मैंने अभी ली है एंड आई एम इन्जॉइंग इट। लाइक बहुत ही स्मूथ है, बहुत मज़ा आता है इसे राइड करने में भी। आई थिंक आई शुड टेक दिस। पहले मुझे कैमरा ही सेट करना नहीं आता था, माउंट पे लगाना नहीं आता था, ये तो
माउंट ही गलत था कि मैंने उसे ऑनलाइन मंगवाया भी अमेज़ॉन से। आई होप कि अभी ठीक व्यू आ रहा हूँ। पहले साइकिल के पूरा नीचे का आता था, ऊपर का व्यू ही नहीं आता था। मैंने बहुत ट्राई करा था उसमें लगाने के लिए, बाद में मैंने कैमरा ही उल्टा लगा दिया है। नाउ व्यू भी ठीक आ रहा है मेरा, फ्रेमिंग भी अच्छी बैठ गई है, और मेरा जो अमेज़ॉन से माउंट मंगवाया था उसमें ही लग गया। अभी मैं दिखाता हूँ मैं कौन सी साइकिल लेके आया हूँ। कल मैं प्रॉपर दिखा नहीं पाया था, आज मैं बाइक का लुक दिखाऊंगा कि साइकिल का लुक कैसा आ रहा है और कैसी लग रही है देखने में। तो गाइस फ़िलहाल ये लुक आ रहा है मेरी साइकिल का, इस मेड ऑफ कार्बन, कार्बन व्हील्स, कार्बन फ्रेम, सैडल कार्बन है, हैंडल बार कार्बन है, अल्ट्रेगा इसमें ग्रुप सेट लगा हुआ है, एंड इट्स सो स्मूथ, आई एम एंजॉइंग इट। मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि वाई रूट बाइक, वाई नॉट MTB। सो यार इसका सीधा एक आंसर है, सबका अपना अपना अलग अलग फील है चलाने के लिए। किसी को MTV बहुत अच्छी लगती है, रोड बाइक नहीं लेते हैं, उन्हें MTV में मज़ा आता है। मुझे रोड बाइक में आता है, MTV में चला नहीं पाता हूँ। मैं एक MTV लेके भी आया था डिकैथलॉन से, रॉक राइडर ST30, बट हार्डली मैंने एक दिन चलाया हुआ उसे, फिर मैंने अपने दोस्त को दे दिया है। नाउ इस साइकिल एंड मेरे को रोड बाइक में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है चलाने के लिए, और जिसमें आपका फील हो आप वही चलाओ, वही लो। तो लोगों के इजी क्वेश्चन होते हैं, हम पहली बार साइकिल चला रहे हैं, MTV लेना चाहिए या रोड बाइक लेना चाहिए, तो उनको एक ही सजेशन है यार, आप स्टोर पे जाओ, दोनों साइकिल चला के देखो, जो भी बेस्ट लगती है आपको आप उसको लो, ताकि आप लंबे टाइम तक साइकिलिंग कर पाओ। अभी आगे से हम लोग लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट लेने के बाद एक रोड बहुत अच्छी आती है, वहाँ से करते हुए चलेंगे, एंड देन अभी 10 किलोमीटर का और राइड करूँगा मैं। कर रहे हैं विदाउट हेलमेट, हेलमेट पहन के करना, पीछे खड़ा हुआ है गिर गया तो लगेगी। हाँ बच्चे मान ही नहीं रहे यार, हेलमेट पहन के करो यार, साइकिलिंग चला रहे हो हेलमेट पहन के चलाओ।
बहुत महंगा भी नहीं आता, सस्ता आता है, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको 400-500 रुपये स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा हेलमेट तो फिर आपको ठीक है, थोड़ा यहाँ ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम राइड, आई एम एट होम। मैंने इसमें नए टायर्स डलवाए कॉन्टिनेंटल के, एंड इसमें कोई और टायर थे, तो अभी इसको दोबारा राइड करूँगा कल और फील आएगा। सो गाइज इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, दोबारा मिलता हूँ एक और नई राइड के साथ। चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, एंड शेयर इट, एंड सी यू अगेन इन अ न्यू राइड।